वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ऑर्डर जो है मैट्रिक्स के वो फाइंड आउट करेंगे। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स सी और ये मैट्रिक्स डी। तो हम इन सब के ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने से पहले आपको पता होना चाहिए रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो जो ये हॉरिजॉन्टली होती है ना, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये रोज़ हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। इसी तरह जो वर्टिकली होते हैं ना, वो कॉलम होते हैं, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम है। समझ आया? ये रोज होती हैं और इस तरह कॉलम्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सेम यहाँ पे भी यही है। कितनी रोज हैं? वन और ये टू, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। कॉलम कितने हैं? कॉलम वन, कॉलम टू, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज, पहले रोज़ आपने जितनी है वो लिखनी है, ठीक है। रोज़ कितनी है? टू रोज़ हैं, तो हम लिखेंगे टू बाय, और कॉलम्स कितने हैं? टू ही कॉलम है, टू बाय टू, ठीक है। इस तरह ऑर्डर लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। सेम हमारे पास यहाँ पे भी टू रोज़ हैं और टू ही कॉलम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इसका यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कौन सा, बी है ना, तो बी इज़ टू बाय टू ही आएगा, सेम टू रोज टू कॉलम, टू बाय टू। नीचे वाला जो है यहाँ पे हमारे पास, अब देखें अब सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों सेम थे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स के सेम थे। मैट्रिक्स सी में हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी इज़, रोज़ कितनी है, रो वन है ना, एक रो है, तो वन लिखेंगे बाय, कॉलम कितने, वन कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो कॉलम कितने हो गए, टू। तो रोज़ वन थी, रो हमारे पास वन थी और कॉलम टू थे। अब ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी है ना, तो डी इज़ कितनी रोज हैं, वन टू थ्री, थ्री रोज हैं, तो पहले थ्री लिखना है, थ्री बाय, और हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम वन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वन, ठीक है। रोज़ थ्री हैं तो वो पहले लिख लिया, और कॉलम वन है तो एक कॉलम ही है, तो वन लिख देना बाद में, ठीक है, समझ आया। तो अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स खुद से दूं, ठीक है, तो आपने उसका कमेंट में आंसर बताना है कि ऑर्डर इसका क्या होगा। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये मैट्रिक्स दिया है, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। तो आपने अब इसका ऑर्डर बताना है, तो क्या बताएंगे, कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज़, फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है कितनी रोज़ हैं इसमें और कितने कॉलम हैं, ठीक है। जिस तरह, इस तरह आपने इस तरह लिखना, ऑर्डर ऑफ ए इज़, जितनी रोज़ हैं वो पहले लिखना है और जितने कॉलम हैं वो बाद में लिखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क है, ये आपने मुझे बताना है इसका, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम लोग ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।